हो सकता है कि थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शराबी हूँ। भगवान की असीम हेलो कृपा। हाय एवरीबॉडी, भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सभी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ के वजह से। आज जैसे मेरा टॉपिक प्रेयर एंड मेडिटेशन है, छोटी तो सी प्रेयर है जो मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं एक तो नहीं, मैं सारी प्रेयर जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दी गई हैं वो सारी मैं रोज पढ़ता हूँ। मेरे को पावर भी जो भी थोड़ी बहुत मिली है भगवान की दया से वो यहीं से मिली है। यहाँ पे लिखता है, रिमेम्बर प्रेयर इज अ कन्वर्सेशन, अ डायलॉग बिटवीन यू एंड गॉड। प्रेयर मस्ट बी योर लाइफ स्टाइल, नॉट जस्ट एमरजेंसी कॉन्टेक्ट ऑन द फोन। रिमेम्बर टू टॉक टू गॉड इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन टाइम्स ऑफ जॉय एंड सक्सेस। गॉड ब्लेस ऑल। दोस्तों, ये जो प्रेयर एंड मेडिटेशन जो स्टेप 11 के बारे में हम बात करते हैं, हमारा स्टेप बोलता है थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इम्प्रूव अ कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, प्रेइंग ओनली फॉर नॉलेज ऑफ हिज विल फॉर अस एंड द पावर टू कैरी दैट आउट। मेरे भगवान की क्या विल थी? मेरे भगवान मेरे बारे में बहुत अच्छा कुछ उन्होंने सोच के रखा था। उनकी विल क्या थी? मैं हमेशा उनकी विल के विदूर जाके अपनी विल चलाता था। हमेशा उनकी विल को छोड़ करके मैं अपनी विल चलाने मानता था। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कल ही गाड़ी चाहिए, मुझे कल ही बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैंने एक चीज समझा कि मेरा काम है भगवान के पास अपनी इच्छाओं को रखना। वो पूरी होंगी कि नहीं उसकी शर्त रखना मेरा काम नहीं। मैं हमेशा अपनी शर्त पूरी करना चाहता था। मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ था। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए थे, लेकिन वो सारी चीजें खत्म करके ही मैं माना कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था ना। अब ना मेरे पास कुछ बचा था उड़ाने के लिए, ना कुछ बचा था बेचने के लिए, कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पिताजी जो रख के गए थे उसे मैंने पूरा जीरो कर दिया था, जीरो। अब मेरे पास लास्ट में यही रास्ता बच गया था कि गलत काम करना। तो मैं इन सब चीजों पे भी उतर आया था। हालांकि मैंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, लेकिन फाइनेंशियली बैंकरप्सी जैसे बोलते ना, वो सब मैंने किया है। क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पैसे ले लेना, फिर उनको टाइम पे नहीं देना, फिर उल्टा उनसे रुबाब से बात करना कि तुम तो इंटरेस्ट ले रहे हो, मेरे पास जब हुआ तब मैं दूंगा। ये सब भी मैंने किया। बैंक के मैनेजर को कॉलर पकड़ करके ऑफिस के बाहर फेंक देना, ये भी मैंने किया। तुमको जो करना है करो। ये सब मेरा पास्ट है जो मुझे याद दिलाता है। जो मुझे याद रखता हूं तो मेरा काम होता है। तो मैं भी एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिर्फ शराब छोड़ने ही आया था। मेरे घर वाले थक चुके थे, मेरे परिवार वाले थक चुके थे, मेरी वाइफ थक चुकी थी, मेरे दोस्त यार थक चुके थे, मेरे से सब मेरे से थक चुके थे और कोई नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। मेरा शराबीपन कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी शराब तो फिर भी जायज थी, मैं शराब पीने से मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे शराबीपन से सबको प्रॉब्लम थी, हर किसी को। मैंने अपनी शराबीपन में बहुत कुछ किया, बहुत ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जिसका कोई उल्लेख नहीं कर सकता। बताते बैठू तो
दिन के दिन चले जाए अपने बारे में, हर एक चीज के ऊपर मैंने जब से अपने ऊपर गौर किया। मैं भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सबके तरह शराब छोड़ने आया था, लेकिन यहाँ पे आकर के हर चीज को पढ़ा, देखा, समझने की कोशिश की, उन सारी चीजों के ऊपर काम करते करते मुझे बहुत सारी अपनी चीजों के ऊपर मैं समझ में आया कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या क्या चीजें गलत की हैं, व्हाट आर द थिंग्स ऑब्जेक्शनेबल इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में क्या क्या चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने की। प्रार्थना और ध्यान मैं पहले भी करता था, मंदिर में पहले भी जाता था, लेकिन एल्कोहलिक्स एनोनिमस में जिस भगवान से मुझे मिलाया गया, मेरे अंदर के भगवान से, मेरे हायर पावर से, वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करने लगा। पूजा पहले भी करता था, मेरे घर के नीचे शिव मंदिर था, मैं वहां पे भी पूजा करता था। ये सारी चीजें मैंने की बचपन में ही, बहुत कुछ किया मैंने। मैं तब भी मंदिर जाता था, पूजा करने बैठता था, तो भगवान से हमेशा शर्त रखता था कि भगवान ये कर दो ना तो मेरे को, मैं वो करूंगा। मैं मंदिरों में भी जा करके ट्रेडिंग करता था भगवान से, अरे ये मिल जाएगा ना तो मैं 11 नारियल चढ़ा दूंगा, यार वो हो जाएगा ना तो मैं 5 दिन मंदिर आऊंगा, मैं वो हो जाएगा ना तो मैं उपवास रखूंगा। ये ट्रेडिंग करने का बिजनेस था मेरा, पहले मंदिर में जाना माने ट्रेडिंग करना। लेकिन एल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे एक नए भगवान से मिलाया, पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ, और वो भगवान मुझे आप लोगों के थ्रू मिले, इंसानों के थ्रू मिले। कहते भगवान ये में आने के बाद ये चीज मेरे को बहुत मन में बैठ गांठ कर गई, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। भगवान मुझे मंदिर में नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, लेकिन गॉड वर्क्स थ्रू पीपल, इंसानों के रूप में मुझे हमेशा भगवान मिला। मेरे लिए शायद वो आदमी भी भगवान था जब मैं एक्सीडेंट करके रास्ते में पड़ा हुआ था लॉकडाउन में, और उस आदमी ने मेरे को घर पहुंचाया, वो भी मेरे लिए भगवान ही था। भगवान का रूप तो नहीं जानता हूं, लेकिन वो आदमी मेरे लिए भगवान था, क्योंकि वो शायद अगर जो मुझे उस दिन घर नहीं पहुंचाता तो मेरा क्या होता मेरे को ही नहीं पता। पूरा शराब पी के लत पत किस तरह मैं रास्ते में पड़ा हुआ था, पता नहीं भगवान उस आदमी का भला करे। तो यहाँ पे जब मैं आया तो सेकंड स्टेप में जब मुझे बोला गया टेम टू बिलीव दैट अ पावर सैनिटी, सैनिटी का मतलब क्या था, कौन सी सैनिटी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इनसेन था ना, मैं इनसेन था, मैं इनसैनिटी में जी रहा था, मेरी हरकतें इनसैनिटी वाली थी, तो मुझे सैनिटी चाहिए थी। शराब से तो मुझे बचना था, लेकिन सैनिटी मुझे चाहिए थी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि भगवान मुझे शराब के साथ साथ मुझे सैनिटी भी चाहिए, शराब छोड़ना तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शराब से भी ज्यादा मुझे अंदर सैनिटी मुझे चाहिए, मुझे सैनिटी चाहिए भगवान। तो मैंने उस चीज का मतलब समझने की कोशिश की, मैंने भगवान से प्रार्थना करना चालू की कि भगवान आई वॉन्ट टू बी अ सेम पर्सन, मैंने बहुत अपनी जिंदगी इनसैनिटी में जी भी, अब मुझे सैनिटी चाहिए। मैंने पहले 1-2 साल तो यही सोच रहा था कि शराब छोड़ना है, शराब छोड़ना है, शराब छोड़ना है, शराब तो छोड़ दी थी, लेकिन सैनिटी नहीं आ रही थी, तकलीफ बहुत हो रही थी, शराब छोड़ दी थी, मीटिंग जाते जाता रहता था, लेकिन शांति नहीं थी एकदम, बहुत तकलीफ होती थी। फिर मैंने भगवान से इस चीज के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया, भगवान आई नीड माई सैनिटी, मेरे को शांत होना है, मैं आज भी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड रहता हूँ, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं पराई औरतों की तरफ अभी भी देखता हूँ, पराई लोगों की चीजों की तरफ अभी भी देखता हूँ, मैं पराई हर चीजों की तरफ, हर चीज के ऊपर मेरा नशा लगा रहता है, यार ऐसी घर मिल जाए, ऐसा गाड़ी मिल जाए, ऐसे कपड़े मिल जाए, ऐसे जूते मिल जाए, ऐसी कड़ी मिल जाए, ये सारी चीजें नहीं जा रही थी।
शराब छूट गई थी, लेकिन ये सारी चीजें नहीं जा रही थी। आज भी नहीं कहूंगा कि सारी चीजें चली गई, शराब 100% रुक गई है, लेकिन ये सब चीजों की सहमति अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है, आई नहीं अभी भी, बस इसी के ऊपर काम कर रहा हूं। क्योंकि मैं जब शराब पीता था तो मेरी इंसैनिटी क्या थी, शराब या शराबीपन, मेरे लिए मेरी शराबीपन थी, जो गलत हरकतें मैं शराब पी के करता था। तो आस्ते आस्ते मैंने प्रेयर मेडिटेशन के माध्यम से इन सारी चीजों के ऊपर एप्लीकेशन डालना चालू कर दिया भगवान के पास मेरे, कि भगवान मुझे ये सब चाहिए। आस्ते 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 प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये सातों इंद्रिया जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, मैंने इनके ऊपर प्रेयर करना स्टार्ट किया फर्स्ट स्टेप के माध्यम से। गॉड आई एम पावरलेस ओवर माई ग्रीड दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। गॉड आई एम पावरलेस ओवर माई लस्ट दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। ये सब करते करते आस्ते आस्ते थोड़ा 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 करके सैनिटी रिस्टोर होने लगी। आस्ते आस्ते करके मुझे समझ आने लगा कि भगवान वो सारी चीजें देंगे जो मैं उनसे मांगूंगा, मुझे हर चीज मिलेगी। लेकिन उन सारी चीजों के ऊपर जैसे मैंने शराब को रोका, वैसे मुझे उन सारी चीजों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और वो मुझे कैसे आएगा, 100% सरेंडर। जैसे मैंने अपना सरेंडर किया कि आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल, वैसे ही मुझे करना पड़ेगा, आई एम पावरलेस ओवर माई लस्ट दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। ये सब मेरे को प्रार्थना और ध्यान द्वारा ही मिल सका। आस्ते आस्ते फेलोशिप में जुड़ता रहा, जुड़ता रहा, जुड़ता रहा, लिटरेचर्स के ऊपर काम करता रहा, बिग बुक को पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। माने ये तोहफे अनगिनत है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे जीवन में, तो नहीं, इट इज मोर देन जो मेरे फादर मेरे लिए छोड़ के गए थे। मेरे फादर ने अपना हर चीज वो पूरी करके गए जो एक फादर कर सकते हैं, हर चीज करके गए जो एक जिम्मेदार पिताजी रख के जाते अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैंने सब कुछ उड़ाया, गवाया, ये सब किया मैंने। आज मुझे मेरे पिताजी से कोई शिकवा नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कहा गया कि भाई तू अपने अंदर झांक, मैंने अपने अंदर झांकने की कोशिश की, मेरी प्रॉब्लम्स क्या, मैंने जब अपने अंदर झांका तो मुझे आस्ते 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 बहुत सारी चीजें मिला। कहते हैं ना बिग बुक में लिखा हुआ है, द मोर लुक यू लुक इन टू योर सेल्फ द मोर यू कैन रिवील योर सेल्फ। मैं जितना अपने आप को खोद के अपने अंदर के कचड़े निकालूंगा, भगवान उतना मेरी अंदर सफाई करेंगे, इतनी सफाई मैं अपनी कर पाऊंगा। तो ये शुरुआत मेरी, इस सब चीज की शुरुआत मेरे घर में मेरी प्रार्थनाओं से ही। जब मैं फेलोशिप में आया, मैंने हर प्रार्थना को अपने रूम में लगाया, सारी प्रार्थनाओं को एकदम अपने, जहां सोता हूँ उसके सामने सब प्रार्थनाओं को लगाता था, प्रिंट आउट निकाल करके लगा करके उसे आस्ते आस्ते पढ़ना चालू किया। आज भी मुझे स्टेप्स की प्रेयर्स याद नहीं रहती है, लेकिन सेवेंटी प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर, थर्ड स्टेप प्रेयर, सेवेंथ स्टेप प्रेयर, अरे बिग बुक की पेज 99 की प्रेयर, ये सारी मेरे को मुझे बानी है, क्योंकि ये मैं पढ़ के ही सोता हूँ और ये पढ़ के ही मैं बिस्तर से उठता हूँ। तो ये प्रेयर ने मेरी जिंदगी में क्या क्या बदला, ये प्रेयर ने मेरी जिंदगी में, मेरे अंदर से थोड़ा बहुत ग्रीड कम हुआ, मेरे अंदर से थोड़ा बहुत प्राइड कम हुआ, आस्ते आस्ते थोड़ा सारी चीजें कम होनी चालू हुई। ये नहीं कहूंगा कि सब चली गई, इंसान हूं, प्राइड भी आएगी, ग्रीड भी आएगी, लस्ट भी आता है, सब कुछ आता है,
लेकिन आज शराब की तरह उसे रोक पा रहा हूं। नीड्स एंड वांट्स की डिफरेंस समझ में आने लगा, नीड्स एंड वांट्स की डिफरेंस समझने लगा हूं। मुझे चाहिए और मुझे जरूरत है, इसकी फर्क मुझे मिलने लगी आस्ते आस्ते। सब करते करते हंसते हंसते मैं भी, हम सब की तरह ही मैंने भी इस ए वे ऑफ लाइफ को अपनाया। इसे जीने, ये प्रोग्राम एक ऐसी ऐसा प्रोग्राम है, इसे मैं समझ लूं, रोज ये भी किताब पढ़ बनना लूं। सुन। इसे मैं पढ़ लूं, समझ लूं, रट लूं, जो भी कर लूं, लेकिन जब तक मैं इसे एक्शन में नहीं लाऊंगा तब तक नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। ये भी स्लोगन यहीं से मिला, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। तो अगर जो मुझे चेंज चाहिए तो मुझे अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, मैं किसी को बदल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं सेरेनिटी प्रेयर में वही पढ़ा ना, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। तो मैं पहले पूरी दुनिया चेंज करना चाहता था, वो तो मैं कर नहीं पाया, आस्ते आस्ते जो था सब चले गया। के बाद उसी का सेकंड पार्ट आया, टू एक्सेप्ट द थिंग्स, तो मैंने जब वो सेकंड वाला पार्ट सैनिटी प्रेयर का एक्सेप्ट किया कि मैं क्या बदल सकता हूँ, मैं खुद को छोड़ के किसी को नहीं बदल सकता, आई कैन चेंज माई सेल्फ, आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, आई कैन नॉट चेंज माई वाइफ, आई कैन नॉट चेंज पीपल प्लेस एंड सब्सटेंसेस, आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग। मेरे पास दो ही रास्ता है, एक्सेप्ट एंड सरेंडर। मैंने अपने सारे गुनाह कबूल किए, एक्सेप्ट किए, और मैंने भगवान के पास में सरेंडर किया। जैसे मैंने सरेंडर किया, मेरा काम करना चालू हो गया आस्ते आस्ते। इसी प्रार्थना और ध्यान के द्वारा मैंने भगवान से प्रे करता रहा, भगवान मेरे को इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करना, भगवान मेरे को तो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करना, सही ढंग से करना, मुझे करना है करना है करना है। वो विलिंगनेस अपने अंदर जगाई और आस्ते आस्ते मेरा काम होता रहा। ये सब करते 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 आस्ते आस्ते बिग बुक के प्रति मुंह बढ़ा, लिटरेचर के प्रति मुंह बढ़ा, और इसके अंदर मैं अपने आप को रोज काफी टाइम, आधा घंटा एक घंटा मैं अपना लिटरेचर को देता ही, रोज हर हर लिटरेचर को पढ़ना। ऐसा नहीं कि खाली बिग बुक पढ़ ली हो गया, 12 एंड 12 है, एज बिल सीज इट है, केम टू बिलीव है, बहुत लिटरेचर है। हर हर चीज के प्रति मैंने अपना इंटरेस्ट रखा, थोड़ा थोड़ा सब जगह से पढ़ता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें को यूज करने की कोशिश करता हूँ। आस्ते 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 मेरा काम बनता गया। ये था मैंने जो किया, उसके बारे में मैंने बताया आप लोगों को। बिग बुक में जब मैं आता हूं तो बिग बुक पे जाकर आकर के मैं जब देखा इनटू एक्शन में, मैं जब आता हूं पेज नंबर 85 में लिखा लिखता है, स्टेप 11 सजेस्ट प्रेयर एंड मेडिटेशन। पेज नंबर 85 के लास्ट लाइन में है, वी शुडंट बी शाय ऑन दिस मैटर ऑफ प्रेयर, बेटर मैन देन वी आर यूजिंग इट कॉन्स्टेंटली। मुझे कॉन्स्टेंटली यूज करना, इट वर्क्स इफ वी हैव द प्रॉपर एटीट्यूड एंड वर्क एट इट। अगर जो मुकेश के पास प्रॉपर एटीट्यूड है तो ही प्रेयर एंड मेडिटेशन काम कर सकती है। आई हैव टू हैव, मेरे पास एक प्रॉपर एटीट्यूड होना ही चाहिए प्रेयर और मेडिटेशन को यूज करने का। मैं सोचूंगा रोज सुबह उठा मैंने 10 मिनट प्रार्थना कर ली,
प्रार्थना तो मैं कर लूंगा क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूं ना, मैं प्रार्थना तो कर लूंगा, मैं बैठा हुआ हूँ, 10 मिनट बैठा हुआ हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा दिमाग वहां है? ना मेरा दिमाग प्रार्थना कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा है। अरे मुकेश यार वो काम नहीं हुआ, अरे मुकेश उसमें लॉस हो गया, अरे मुकेश वहां प्रॉफिट हो गया, अरे मुकेश वो हो गया, अरे मुकेश वो हो गया। कर रहा हूं मैं प्रार्थना भगवान के पास बैठ करके, 1 घंटा मैं रोज करता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा दिमाग इधर उधर रहेगा तो वो काम नहीं होगा और लूज कनेक्शन हो जाएगा। जैसे हमारे मोबाइल को हम लोग लूज कनेक्शन लूज तार में रख देते हैं ना, तो मोटा मोबाइल की बैटरी चार्ज होने के बजाय डिस्चार्ज हो जाती है, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, वो चार्ज नहीं होता और डिस्चार्ज कर देता है, लूज कॉन्टेक्ट है ना। वैसे ये प्रेयर एंड मेडिटेशन भी मेरे लिए वैसा ही है, मुझे कोशिश करना है कि मुझे करते रहना। मैं भी पहले दिन से ऐसा नहीं था, आज जाके मुझे करते 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 प्रैक्टिस हुई, मुझे करते 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 मुझे आदत लगी। आज मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहला मैं प्रेयर ही भेजता हूँ, मेरा जो एक ग्रुप है उसमें सबसे पहला मैं प्रेयर भेजता हूँ और फिर भगवान के पास बैठ करके अपना प्रेयर मेडिटेशन, पहले अपने बेड पे प्रेयर की, फिर जाके भगवान के पास घुटनों पे खड़े रह करके बैठ करके प्रेयर की, उसके बाद बैठ करके प्रेयर की, और उसके लिए बाद में सबके लिए प्रेयर करता, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, भगवान मैंने जिसको भी कोई भी तकलीफ दी है इस जन्म में अगले जन्म में तो मुझे माफ कर, भगवान मुझे माफ कर, कहते ना फेक इट टू मेक इट। मैंने शुरू किया था फेक इट दिस, लेकिन लास्ट में मेरे को ऐसा लगता है कि मेक इट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, पता नहीं है मुझे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेक इट की तरफ बढ़ रहा हूं। आगे लिखा है, इट वुड बी इजी टू बी वेग अबाउट दिस मैटर, इट वुड बी इजी टू बी अनक्लियर अबाउट दिस मैटर, येट वी बिलीव वी कैन मेक सम डेफिनेट एंड वैल्यूएबल सजेशन। तो इतने छोटे से पैराग्राफ में मुझे बहुत कुछ बताया जा रहा, लेकिन मैं अपना दिमाग खोल कर रखता हूं कि नहीं उस छोटे से पैराग्राफ को समझने के लिए। ये है इस बिग बुक का काम, छोटा छोटा पैराग्राफ है, छोटा छोटा सेंटेंस है, लेकिन मैंने अपना दिमाग खुला रखा है कि नहीं, कि मैं समझ रहा हूं कि नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं समझ गया समझ गया समझ गया, लेकिन करने के टाइम में मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं अभी भी रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंटेड हूं, क्योंकि मैंने लूज कनेक्शन करके रखा, मैं चार्ज होने के बजाय डिस्चार्ज हो रहा हूं, मैंने अपना दिमाग खोल के नहीं रखा, मैं अपनी सोच को खोल के नहीं रखा, कौन क्या कह रहा है मैं चुपचाप उसे सुन नहीं रहा हूं, लर्न टू लिसन लिसन टू लर्न मैंने किया ही नहीं। मेरे को हर हर कुछ पाने के लिए मुझे हर कुछ करना पड़ेगा, मुझे जो चाहिए आई हैव टू बी द चेंज आई वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया को नहीं चेंज कर सकता हूं, बट आई हैव टू बी द चेंज आई वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, द वर्ल्ड विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू मुकेश, बट मुकेश कैन चेंज, आई हैव टू बी द चेंज आई वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट आई कैन बी द चेंज आई वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। ऐसे ही हम जब हमारी एक और बुक है 12 एंड 12, उसको जब खोलते हैं, उसका फॉरवर्ड जब खोलते हैं, कंटेंट्स में जाऊंगा, तब स्टेप 11 के बाद में बहुत छोटा सा चीज ही लिखा हुआ, पहला पॉइंट है मेडिटेशन एंड प्रेयर मेन चैनल्स टू हायर पावर, मेडिटेशन एंड प्रेयर मेन चैनल्स टू हायर पावर। तो मेरा हायर पावर तो मेरे पास था, लेकिन मैं क्या कर रहा था, जब शराब पीता था या जब अपने अल्कोहलिज्म में था, मैं ट्रेडिंग करता था मेरे हायर पावर के साथ, मैं जाता था उनके पास मंदिर में, लेकिन ट्रेडिंग करने जाता था, भगवान ये चाहिए वो दे दूंगा, वो देंगे तो मैं ये कर दूंगा, आप वो करेंगे तो मैं ये कर दूंगा,
भगवान ने वो सारी शर्तें भी मेरी पूरी कर दी, वो सारी शर्तें भी मेरी पूरी कर दी। लेकिन मैं मेटीरियलिस्टिक तो सब पा जाता था, लेकिन मन में शांति नहीं रहती थी। मैं बीवी को शांति दे पाता था, मैं मेरे घर वालों को शांति दे पाता था, किसी को शांति नहीं दे पाता था। अय्याशी अय्याशी और अय्याशी, और इससे ज्यादा मुझे कुछ आता ही नहीं था। सेकेंड पॉइंट है उसका, कनेक्शन बिटवीन सेल्फ एग्जामिनेशन, कनेक्शन बिटवीन सेल्फ एग्जामिनेशन। क्या मैंने सेल्फ एग्जामिनेशन किया है? मैं सिर्फ शराब शराब और शराब खरता रहूंगा। मैंने देखा नहीं, मुझे शराब से कुछ आगे करना पड़ेगा। मेरे को जिंदगी शराब के आगे ले जानी है, एक हंसी खुशी जिंदगी चाहिए। तो शराब तो मेरी समस्या है ही, लेकिन उससे भी बड़ी मेरी समस्या है शराबीपन। तो अगर जो मैं सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करूंगा कि मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है, स्टेप 11 प्रेयर करने के पहले अगर जो मैंने सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं किया है, तो मैं भगवान से क्या प्रेयर करूं, क्या मेडिटेशन करूं, मैं क्या मांगू भगवान से? तो कनेक्शन बिटवीन सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मेडिटेशन एंड प्रेयर। एन अनशेकेबल फाउंडेशन फॉर लाइफ, कोई हिला नहीं सकता इस फाउंडेशन को। अगर जो मुकेश ये फाउंडेशन खोज लेता है, तो इसे कोई हिला नहीं सकता। एन अनशेकेबल फाउंडेशन फॉर लाइफ। तो ये करने के लिए मुझे वो करना ही पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट अ अनशेकेबल फाउंडेशन फॉर लाइफ, तो मुझे ये करना पड़ेगा। आगे का पॉइंट है, हाउ शेल वी मेडिटेट। हर आदमी अपने तरह से कर सकता है, जिसकी जैसी समझ वो वैसा कर सकता है। मैं जैसा करता हूं वैसा शायद कोई और भाई नहीं कर पाएगा। कोई और भाई मेरे से ज्यादा जो अच्छा कर रहा, शायद मैं उसके तरह नहीं कर पाऊं। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, इफ आई डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मेरे भगवान ऊपर से बैठ के देखेंगे और वो मुझे मेरी एबिलिटी की तरह मुझे मेरा फल जरूर देंगे। किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। जो जितना करेगा उसे उतना मिलेगा। मैंने 1% किया तो मुझे 1% मिलेगा। कोई 100% करेगा उसे 100% मिलेगा। कोई 99% करेगा तो उसे 99% मिलेगा। मेडिटेशन हैज नो बाउंड्रीज, एक और पॉइंट है, मेडिटेशन हैज नो बाउंड्रीज। मेडिटेशन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। देयर आर नो बाउंड्रीज इन मेडिटेशन। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। देर आर नो बाउंड्रीज इन मेडिटेशन, यू कैन डू एज मच एज यू कैन। यहीं पे मेरे को लिखा है तो मैंने वही करना। एन इंडिविजुअल एडवेंचर, उसी का नेक्स्ट वर्ड्स है, एन इंडिविजुअल एडवेंचर। जो चाहे वो उतना तक कर सकता है, उसका अपना, इट इज हिज ओन एडवेंचर। मुकेश का अलग होगा, हर भाई का अलग होगा, किसी भी भाई का, हर भाई का कम बेसी सबका अपना अपना होगा। फर्स्ट रिजल्ट इज इमोशनल बैलेंस। तो पहला रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा ये करने से? इमोशनल बैलेंस मिलेगा। जो मैं पहले इमोशनली पूरा बैंकरप्ट था, आज मैं थोड़ा 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 इमोशनली बैलेंस होने लगा हूं, थोड़ा थोड़ा होने लगा हूं। आज मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे रोज बात करते हैं। पहले मैं शराब पी के घर में आता था, मेरी बीवी ईस्ट और मैं वेस्ट की तरफ एक ही पलंग पे सो रहे हैं, वो ईस्ट और मैं वेस्ट की तरफ मुंह करके सो जाते थे, क्योंकि मेरे मुंह से इतनी बदबू आती थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, या मैं इतना गंदा होके आया रहता था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, या मैं किसी से मारपीट करके आया होता था वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मेरे मुंह पे चोट लगी हुई, मेरा शर्ट फटा हुआ है, किसी ने मेरे मुंह पे मुक्का मार दिया, किसी ने मेरे हाथ को पकड़ के तोड़ दिया है, लेकिन अरे मैं तो हीरो हूं ना। शराब पी के मुकेश ठक्कर एक नया हीरो बन गया। किसी की गाड़ी का कांच तोड़ के हाथ में से खून, डॉक्टर घर पे आया हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कल सुबह ठीक हो जाएगा। अपने घर पे ही सैनिटाइजर पूरा उड़ेल दिया हाथ में, अरे कुछ नहीं होता, 2 मिनट हाथ झटका, अरे ठीक है हो जाएगा, हीरो बन रहा था, हीरो।
आगे का पॉइंट है, व्हाट अबाउट प्रेयर, मैं प्रार्थना कैसे करूं, किस तरह करूं। आगे लिखते हैं, डेली पेटिशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स विल एंड ग्रेस टू कैरी इट आउट। भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, मेरी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा क्या है। वो मेरे भगवान मेरे लिए क्या सोच रहा है। मैं तो बहुत सोच सोच करके तो यहां पहुंचा ना, मैंने अपनी सोच को कहां लेके गया मुझे नहीं पता, मैं किस हद तक गया था मेरे को नहीं पता। आज शर्म आती है खुद को, लेकिन पास्ट इज माई बेस्ट टीचर। भगवान जो चाहते क्या तू वो कर पा रहा है कि नहीं। मेरी बीवी क्या चाहती है, मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं। खुद के लिए तो मैं करते करते यहां पहुंचा ना, अब मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं। आगे लिखता है, एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ प्रेयर आर बियॉन्ड क्वेश्चन। एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ प्रेयर आर बियॉन्ड क्वेश्चन। अगर जो मुझे ये चाहिए तो ऊपर में मैंने जितना पढ़ा मेरे को सब करना पड़ेगा। ये हर चीज एक कंडीशन है, मैं ये करूंगा तो आगे जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो आगे जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो आगे जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोल दिया और हो जाएगा। बिग बुक इज फुल ऑफ प्रेयर्स, प्रोमिसेस। बिग बुक इज फुल ऑफ प्रोमिसेस, बट ऑल प्रोमिसेस हैव अ कंडीशन। जिंदगी में बिना कंडीशन के कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी सबसे बड़ी कंडीशन यही है, आज तकलीफ देखूंगा तो कल खुशी मिलेगी। तकलीफ में भगवान को याद करूंगा तो भगवान शायद तकलीफ देंगे ही नहीं, लेकिन मुझे, मैं कब भगवान को याद करता हूं, जो प्रेयर मैंने पहले पढ़ी थी, मैं कब भगवान को याद करना चाहता हूं। मैं अगर जो खुशी के टाइम में भगवान को प्यार प्रे करता रहूंगा तो भगवान मेरे को दुख क्यों लाके देंगे। मैं सिर्फ दुख के टाइम में भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान मेरे दिन तो चेंज कर देंगे। मेरे भगवान कभी भी किसी को रुलाते नहीं है, भगवान सबको भूखा सुलाते नहीं है कभी भी। मैं उठता भूखा हूं लेकिन कभी भूखा सोता नहीं हूं। हम रोज भगवान के सामने मंदिर में दिया करते हैं, ये मैंने किसी और से नहीं सुना, सिस्टर शिवानी की रिकॉर्डिंग से सुनता हूँ। मेरे को इतना अच्छा वो सेंटेंस जो है ना मेरे दिमाग में घर कर गया, दिया जलाओ। वो लॉ कौन सी होनी चाहिए, वो दिया कौन सा होना चाहिए। भगवान से मेरे को प्रार्थना कर रही, भगवान ये मेरे प्यार का दिया है, ये मेरे सम्मान का दिया है, मेरी इज्जत का दिया है, मैं शायद किसी की इज्जत कर पाऊं। भगवान में क्या है, किसी को प्यार कर पाऊं। देने वाला दिया, लेने वाला दिया नहीं। मेरे को दिया भी जब जलाऊंगा तो मेरे मन से क्या निकल रहा है, मैं किस भाव से उसे जल प्रकट कर रहा हूं। हर एक छोटी छोटी बातों के ऊपर प्रेयर मेडिटेशन रियली हैज नो बाउंड्रीज। हम जितना करेंगे उतना हमको मिलेगा, भगवान मेरे ऊपर से बैठ करके मुझे देंगे। प्रेयर और मेडिटेशन, ये इसके बारे में मैं समझा सकूं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। ये हर किसी का एक पर्सनल जर्नी है, हर हर किसी भाई को वो पर्सनल जर्नी खुद तय करनी है। भगवान ने मेरे को शायद ऐसी कोई चाबी नहीं दी है कि मैं किसी को बोलूं और वो ले ले। वो इस किताब को पढ़े, इसे ढंग से पढ़े, उसकी हर एक लाइन को पढ़े, उसे समझने की कोशिश करे और उसे जिंदगी में उतारे। उसे जिंदगी में उतारना पड़ेगा। आई हैव टू लिव द ए वे लाइफ, आई कैनॉट अंडरस्टैंड द ए वे ऑफ लाइफ,
आई हैव टू लिव द ए वे ऑफ लाइफ। बहुत सारी माने क्या कहूं, यानी इसका ये अनलिमिटेड खजाना है, दिस इज अनलिमिटेड, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। जैसे मैंने पढ़ा, देर इज नो बाउंड्री, मेडिटेशन हैज नो बाउंड्री, प्रेयर हैज नो बाउंड्रीज। मैं 12 एंड 12 पेज नंबर 97 से लास्ट पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करता हूं। दोज ऑफ अस हु हैव कम टू मेक रेगुलर यूज ऑफ प्रेयर वुड नो मोर डू विदाउट इट देन वी वुड रिफ्यूज एयर फूड और सनशाइन। जिसने इसका यूज करना चालू कर दिया है, तो जैसे मैं हवा के बिना नहीं रह सकता हूं, जैसे मैं खाने के बिना नहीं रह सकता हूं, जैसे मैं सनशाइन के बिना नहीं रह सकता हूं, वैसे मैं प्रेयर एंड मेडिटेशन के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं सुबह नहीं करूंगा तो मुझे बड़ा बेचैनी हो जाएगा, मेरे को रात को भी सोने के पहले चाहिए, सुबह भी उठने के पहले मेरे को प्रेयर मेडिटेशन ही चाहिए। एंड फॉर द सेम रीजन, व्हेन वी रिफ्यूज एयर लाइट और फूड द बॉडी सफर्स। अगर जो मैं हवा रोशनी और खाने को मना करूंगा तो मेरा मेरी बॉडी तकलीफ में आएगी, वैसे ही मेरे लिए हो जाएगी प्रेयर एंड मेडिटेशन। एंड व्हेन वी टर्न अवे फ्रॉम मेडिटेशन एंड प्रेयर, वी लाइकवाइज डिप्राइव आर माइंड्स, आर इमोशंस एंड आर इंट्यूशंस ऑफ वाइटली नीडेड सपोर्ट। तो भगवान मुझे सपोर्ट कैसे करेंगे, तो मेरा भगवान मुझे कैसे सपोर्ट करेगा, मेरे अंदर का माई हायर पावर, मेरा हायर पावर, मेरा हायर पावर मेरे अंदर बैठा हुआ। हम सबका हायर पावर हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो कहीं बाहर नहीं है। मुझे मेरे अंदर के हायर पावर को जगाना है। मेरा अंदर का हायर पावर जगेगा तभी मेरा काम होगा। हर किसी का हायर पावर उसके लिए काम कर सकता है। मेरा हायर पावर मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी वाइफ का हायर पावर उसके लिए काम कर रहा है, मेरी बेटी का हायर पावर उसके लिए काम कर रहा है, मेरी माता जी का हायर पावर उसके लिए काम कर रहा है। मेरा हायर पावर मेरी वाइफ का नहीं काम कर पाएगा, मेरी वाइफ का हायर पावर उसके लिए काम करेगा। वो मुझे मेरे लिए प्रार्थना जरूर कर सकती है। तो वैसे ही हमारा जो सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं कि मैं अपना मैसेज कैरी कर सकता हूं, मैं अपना मैस नहीं कैरी कर सकता। मैं मैसेज कैरी करूं, मैं मैस न कैरी करूं। आगे लिखता है, एज द बॉडी कैन फेल इट्स पर्पस फॉर लैक ऑफ नरिशमेंट। अगर जो मेरी बॉडी को ये खाना ये सब चीज नहीं मिलेगा तो नरिशमेंट नहीं मिलेगा, सो कैन द सोल, वैसी ही मेरी आत्मा। तो मैं प्रेयर मेडिटेशन नहीं करूंगा तो मेरी आत्मा शांत नहीं रहेगी। अरे यार वो क्या कर रहा है, अरे यार उसने क्या बोल दिया, अरे यार वो क्या कर रहा है, अरे यार मेरे आदमी क्या कर रहे हैं, अरे मेरी बीवी क्या कर रही है कलकत्ता में, मैं बैठा हूं बेंगलोर में और सोच रहा हूं मेरी बीवी क्या कर रही है कलकत्ता में। मैं यहां बैठ करके अगर उनके बारे में नेगेटिव चीज सोचूंगा तो मैं उनको नेगेटिव वाइब भेज रहा हूं, मैं उनको नेगेटिव वाइब भेज रहा हूं, नोइंगली और अननोइंगली। लेकिन अगर जो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे, आप जो करेंगे मुझे वो बर्दाश्त है, मेरे जीवन में कुछ बुरा भी आया तो आपने मेरे लिए कुछ सीखने का अवसर दिया है, मैं उस बुराई से कुछ सीखूंगा। मेरी अल्कोहलिज्म ने मेरे को सिखाया, मेरी अल्कोहलिज्म ने मुझे सिखाया और मैं यहां आया। अब यहां आकर के भी मैं वो काम नहीं करूंगा जिसके लिए मैं आया हूं, तो मेरा ना आना बेकार है। आई हैव टू यूज, मेरे को इस किताब को यूज करना, मेरे को दी गई है, ये मेरा मेरा वर्जन है, ये किताब जो मैंने एक ली है ये मुकेश की है, ये हम सब के लिए मेरी किताब है, मैं इसको पढ़ूं।
इसमें क्या क्या लिखा है, इससे निकालूं, खोज खोज के निकालूं। अरे मुकेश तू अपने आप को पढ़, रिलेट कर, रिलेट कर, रिलेट कर, अपने आप को खोजने की कोशिश कर। वी ऑल नीड द लाइट ऑफ गॉड्स रियलिटी, लिखता है आगे, वी ऑल नीड द लाइट ऑफ गॉड्स रियलिटी, भगवान की सच्चाई। अगर जो मेरे जीवन में कुछ गलत भी आने वाला है, कुछ होने वाला है, तो मुझे वो एक्सेप्ट करना है, न कि मुझे दुखी होना है। जो होगा भगवान की, गॉड्स विल, नॉट माई विल। मेरी विल तो मैंने चला के देख ली, अब मुझे मेरी विल नहीं चलानी। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर जो कोई सुन रहा है ठीक है, नहीं सुन रहा भाई बैक आउट, बैक आउट। बैकआउट करना मेरा काम है। अगर जो तुझे नहीं समझ में आ रहा, तू बैकआउट कर जा। मैं इसी चीज के ऊपर में छोटी सी बात पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। ये फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में दिया हुआ, वी हैड टू यूनिफाई आर फेलोशिप और पास ऑफ द सीन। अगर जो मैं जुड़ के नहीं रह पा रहा हूं, तो मुझे अपनी जगह को छोड़ करके भाई अपना सीन को पास ऑफ कर दे। भाई दूसरे जन जो चार लोग मिलके चला रहे हैं, उनको चलाने दे, तू बैकआउट कर जा। अगर जो तू नहीं जुड़ के रह पा रहा है, तेरे हिसाब से नहीं हो रहा, तेरे को फर्क पड़ रहा है, तेरे को दिक्कत हो रही है, तू बैकआउट कर जा ना। हाईलाइट करके रखा है इस सेंटेंस को मैंने। पूरा वर्ड पढ़ूंगा तो आप लोगों को समझ में, बट आउट ऑफ दिस राइटनिंग एंड फर्स्ट डिसरप्टिंग एक्सपीरियंस द कन्विक्शन ग्रू दैट एज हैड टू हैंग टुगेदर और डाई सेपरेटली। हैड टू हैंग टुगेदर और डाई सेपरेटली, हम एक साथ जुड़ के रह सकते हैं वरना हम मर जाएंगे। इसी के आगे लिखता है, वी हैड टू यूनिफाई आवर फेलोशिप और पास ऑफ द सीन। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बिग बुक में एक एक वर्ड पढ़ेंगे ना, वो ब्रह्मास्त्र है। अगर जो मैं उसे यूज करना चाहूं तो वो सारा मेरा ब्रह्मास्त्र है। बिग बुक मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है, मैं उसी को पढ़ता हूँ, उसमें से अपने आप को खोजने की कोशिश करता हूँ और अपनी गलतियों को वहीं पे हाईलाइट करता हूँ। मुकेश ये था, मुकेश ये था, मुकेश ये था। हमारे बिग बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है टू वाइव्स, 18 पेज का चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। बाकी 17 के भी हैं, 16 के भी हैं, 15 के भी हैं, 14 के भी हैं, लेकिन टू वाइव्स वो 18 पेज का है। आगे पेज नंबर 98 में लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, वी वॉन्ट द गुड दैट इज इन अस ऑल। हम सबके पास अच्छाई है, हम सबके पास अच्छाई है, किसी के पास, एक के पास नहीं, हम सबके पास अच्छाई है। इवन द वर्स्ट ऑफ अस, सबसे बुरा भी हम में जो है उसके पास भी अच्छाई है। टू फ्लावर एंड टू ग्रो, टू फ्लावर एंड टू ग्रो, तो कौन कितनी यूज करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जितनी यूज करूंगा उतना मैं फ्लावर एंड ग्रो करूंगा, जो जितनी यूज करेगा वो उतना फ्लावर एंड ग्रो करेगा। कौन कितना कर रहा है उससे मेरे को कोई नहीं फर्क है, लेकिन हम सब उतना फ्लावर एंड ग्रो करेंगे जितना हम यूज करेंगे। मोस्ट सडनली वी शैल नीड ब्रीथिंग एयर एंड एन एविडेंस ऑफ फूड। मोस्ट सर्टेनली वी शैल नीड ब्रीथिंग एयर एंड एविडेंस ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ फूड, एक फ्रेश हवा चाहिए, बहुत सारा खाना चाहिए। बस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल वॉन्ट सनलाइट। आगे लिखता है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड शैल वॉन्ट सनलाइट, तो मुझे वो रोशनी चाहिए जिसके नीचे मैं ग्रो करूंगा। नथिंग कैन मच ग्रो इन द डार्क, अंधेरे में कुछ बढ़ता नहीं है।
तो मुझे अपने दिमाग की बत्ती खोलनी पड़ेगी, मुझे अपने दिमाग की बत्ती खोलनी पड़ेगी कि मुकेश क्या सही और क्या गलत, सही और गलत पहचानना ही एआई का प्रोग्राम है। मेडिटेशन इज आर स्टेप आउट इन द सन, सो मेडिटेशन इज द स्टेप आउट इन द सन, हाउ देन शैल वी मेडिटेट। ये सब 12 एंड 12 में पेज नंबर 98 से मैं पढ़ रहा हूं। द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर अक्रॉस द सेंचुरी इज ऑफ कोर्स इमेंस इमेंस। लास्ट पैराग्राफ के वर्ड्स है, द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर अक्रॉस द सेंचुरीज इज ऑफ कोर्स इमेंस। पूरी सेंचुरीज, मैं अपनी बात नहीं कर, पूरी सेंचुरीज के बारे में लिखा हुआ यहां पे। पेज 99 में आता हूं, तब मेरे काम की, मेरे जैसे अल्कोहलिक की सबसे मेन प्रेयर लिखी है। मैं थोड़ा 5 मिनट और लूंगा, सॉरी मैं टाइम एक्सीड कर गया। इट्स ऑथर वॉज अ मैन हु सेवरल 100 years नाउ हैज बीन रेटेड एज अ सेंट, सेंट फ्रांसिस। ही वोंट बी बायस्ड और सेक्रेड ऑफ बाय दैट फैक्ट, बिकॉज ऑल्दो ही वॉज नॉट एन एल्कोहलिक, ही डिड लाइक अस, ही डिड लाइक अस गो थ्रू द इमोशनल विंगर। वो भी हमारे तरह इमोशनली प्रॉब्लम में थे, इमोशनल विंगर। एंड एज ही केम आउट ऑफ द अदर साइड, आउट द अदर साइड ऑफ द पेनफुल एक्सपीरियंस, दिस प्रेयर वॉज हिज एक्सप्रेशन ऑफ वॉट ही कुड देन सी, फील एंड विश टू बिकम। अब क्या मुझे देखना है, क्या मुझे सोचना है और मेरे को क्या बनना है, यहीं पे ये आगे ये प्रेयर लिखी हुआ। मैंने ये प्रेयर पढ़ने के लिए मैं उसका पैराग्राफ नहीं पढ़ूं तो फिर जस्ट मैं प्रेयर ही पढ़ लूंगा, मैं सिर्फ प्यारे ही पढ़ लूंगा। तो मुझे नोएज एंड हाउस में जाने हैं तो मुझे उसको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा, उस पैराग्राफ को उस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि मेरे लिए वो काम करे। लॉर्ड मेक मी अ चैनल ऑफ दाई पीस, दाई पीस नॉट माई पीस, दाई पीस, दैट वेयर देयर इज हेट्रेड आई मे ब्रिंग द, जहां पे झगड़ा होता है वहां मुझे प्यार लाना। और पहले मैं बीवी से प्यार मांगता था और उसको गाली देता था, मैं सबसे प्यार मांगता था उनको गाली देता था। वेयर देयर इज रॉन्ग आई मे ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस, गलतियां मैं करता था और मेरी बीवी को चला तुम माफी मांगो मेरे से, कल मैं पी के आया था और तुमने मेरे को नाश्ता नहीं दिया, खाना नहीं दिया गरम करके। वेदर इज डिस्कॉर्ड आई मीन हम नहीं, यही सा ये हार्मनी। मैं खुद डिस्कॉर्ड रहता था और उसको बोलता था हार्मनी दो। Where there is error, I may bring truth. आज आज क्या कर रहा हूं? Where there is, I may bring truth. मैं खुद एरर में रहता था और मेरी बीवी को बोलता था तुम सच बोलो सच बोलो सच बोलो, गलत काम मैं करके आया और तुम सच बोलो। अरे कैसा सच बोलेगी वो बेचारे, गलत काम करके मैं आया हूं, एरर मैं करके आया हूं और ट्रूथ उससे मांग रहा हूं। वे देर इज डाउट आई मे बिंग फेथ, मेरी बीवी को डाउट रहता था कि क्या कल रेड लाइट एरिया गया है और मैं उल्टा। अरे नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, यही कहानी मेरी। आज मैं कोशिश करता हूं जहां डाउट है वहां फेथ लाओ मुकेश, ये सारी चीजों को करना पड़ेगा ना, पढ़ने से तो होगा नहीं ना, ये पढ़ के क्या करूं, पढ़ पढ़ पोथी पढ़ पढ़ जग मुहां पंडित बयानों को,
भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वेयर देयर इज डिस्पेयर आई मे ब्रिंग होप, दैट वेयर देयर आर शेडोज आई मे ब्रिंग लाइट। क्या मैंने किया ये सब? क्या मैं रोशनी लाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी जीवन में तो लाऊं? मेरा खुद का जीवन पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, इस एल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे नया जीवन दिया। एक शराबी को दिन नजर आने लगा जिसको दिन नजर ही नहीं आता था, हमेशा रात में जीता था, दिन को भी रात बना के रखी थी, दिन को भी रात बना के रखा था मैंने। सुबह उठो तो डिच लो, शाम हो तो डिच लो, जैसे उतर जाए उस हैंगओवर को काटने के लिए और मार ले मुकेश, दो मार ले और दो मार ले। वेल देयर इज सैडनेस आई ब्रिंग जॉय। अपने घर वालों को सबको दुखी रखता था और मैं जॉय, घर वालों को दुखी रख करके मुकेश भाई जॉय कर रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लड़की की स्कूल की फीस नहीं जमा हुई है और वो पार्टी कर रहा है। स्कूल से नोटिस आ गया कि पैसे नहीं भरोगे तो ये हो जाएगा। स्कूल की फीस बिना लेट फाइन के, बड़ी लड़की की स्कूल की फीस मैंने बिना लेट फाइन दिए कभी नहीं भरी है, हमेशा लेट फाइन, बहुतों बार तो प्री एडमिशन फीस के साथ। लेकिन शाम को मैं रोज दारू पीता था। ये सोचता हूं कि ये सैनिटी है ना इनसैनिटी है। अब मैं किस चीज की सैनिटी मांगू भगवान से? लॉर्ड ग्रांट दैट आई मे सीक रादर टू कंफर्ट देन टू बी कंफर्टेड। पहले मैं बोलता था मुझे आराम दो, तुम लोग सब तकलीफ करो, मैं शराब पी के आऊं, मेरे को खाना दे दिया करो, नहीं हो तो मुकेश बाबू चिल्ला चिल्ली, गाली गलौच, प्लेट पटकना, सब चीज फेंकना इधर उधर। टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मैं खुद नहीं समझता था और सबको समझा रहा था, तुम समझो मेरे को, तुम समझो मेरे को, तुम समझो मेरे को, मैं कितना दुखी हूं, सेल्फ पिटी, अरे मैं कितना दुखी हूं, पूरी दुनिया देखो मेरे को क्या कर रही है, मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करती है। टू लव देन टू बी लव, मेरे को सबको प्यार करना, किसी से प्यार मांगना नहीं। ये सारी चीजें मैं उल्टी करता था, ये सारी चीजें मैं सीधी कर पा रहा हूं, ये कर पा रहा हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर इट इज बाय सेल्फ फॉरगेटिंग दैट वन फाइंड्स, अगर जो मैं सेल्फ फॉरगेटिंग करूंगा तब मुझे मिलेगा, अगर जो मैं माफ करूंगा तो आई विल बी फॉरगिवन, इट इज बाय फॉरगिविंग दैट वन इज फॉरगिवन, अगर जो मैं माफ करूंगा तो मुझे माफी मिलेगी, इट इज बाय डाइंग दैट वन अवेकेंस टू इटरनल लाइफ। मैंने पुराने मुकेश को मारा और ये नया मुकेश इस जन्म में मुझे चाहिए, मुझे अगले जन्म में क्या बनूंगा मुझे नहीं पता दोस्तों। ये जो प्रेयर है इस जन्म की प्रेयर है, अगले जन्म की मुझे नहीं पता है, मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, क्या होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता है, मुझे ये जीवन ठीक करना। मुझे ए ने बोला टुडे नाउ वन डे एट अ टाइम। एज बिगिनर्स इन मेडिटेशन वी माइट नाउ रीरीड दिस प्रेयर सेवरल टाइम्स वेरी स्लोली, सेवरिंग एवरी वर्ड एंड ट्राइंग टू टेक इन द डीप मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज एंड आइडिया। ईच वर्ड, ईच फ्रेज, ईच आइडिया मुकेश दिमाग में लगानी पड़ेगी, खाली प्रेयर पढ़ लेगा सुबह सुबह कुछ नहीं हो, ये करना पड़ेगा, जो पढ़ा उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा, पढ़ के समझ करके कुछ नहीं होगा मुकेश। ये मैंने अपने आप के संग ये रेजोल्यूशन रखा। मीटिंग का समय बहुत ज्यादा हो गया, तो मेरे जो अनुभव थे वो मैंने आप लोगों के संग शेयर किए, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को जो और ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, और मेरे से कुछ गलत मैसेज दिया हो तो आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू होप स्नेहांचल ग्रुप, थैंक यू सो मच।